पुलिस से बचने के लिए यमुना में कूद गया था नेपाली लड़कियों का सौदागर अरेस्ट। नेपाल की लड़कियों को जॉब के बहाने दिल्ली लाकर उन्हें खाड़ी देशों में 50,000 से 5,00,000 रुपए में बेचने का मास्टरमाइंड फिल्मी अंदाज में अरेस्ट कर लिया गया। दिल्ली महिला आयोग ने पिछले साल मुनिरका से 16 नेपाली लड़कियों को छुड़ाया था। आरोप है कि उन्हें दिल्ली तक लामा ही लाया था। आरोपी लोक संघ नामा नेपाली लड़कियों को खाड़ी देशों में बेचने वाले गैंग का मास्टरमाइंड है। पिछले साल 25 जुलाई को मुनिरका गांव से 16 नेपाली लड़कियों को छुड़ाया गया था। उसी मामले में मास्टरमाइंड था जो अब तक फरार था। गिरफ्तारी पर पुलिस कमिश्नर ने 1,00,000 का इनाम भी रखा था। पूछताछ में उसने बताया कि यह कई सालों से मानव तस्करी के धंधे में शामिल है। नेपाल से यह लड़कियों को दिल्ली में जॉब दिलाने के बहाने लाता था। फिर यहाँ कई बार लड़कियों के साथ बलात्कार भी किया जाता था। इसके बाद इन्हें खाड़ी देशों में बेच दिया जाता था। एक लड़की को 50,000 से 5,00,000 रुपए में बेचा गया। माना जा रहा है कि यह 300 से अधिक नेपाली लड़कियों को बेच चुका है। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना।